आज मैं आपको कृष्ण महेंद्र की लिखी हुई एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रशंसक। किस्सा गौतमी का है, गौतमी शर्मा, जो विवाह से पहले भी शर्मा थी और विवाह के बाद भी शर्मा है, जो कॉलेज के दौर में शर्मा के नाम से जानी जाती थी। हिंदी साहित्य के दुबे सर उसे शर्मा कहकर पुकारते थे और फिर वह पूरी क्लास के लिए शर्मा हो गई। दुबे सर क्लास में प्रश्न पूछते तो पहला शिकार गौतमी होती। शर्मा तुम बताओ, कोई चंचल छात्र तत्परता से कहता, सर शर्मा आज एब्सेंट हैं। दुबे सर आंखें चपकाने लगते, प्रश्न पूछने से पहले जान तो लेते कि गौतमी आज आई है या नहीं। छात्राओं ने राय कायम की, शर्मा दुबे सर तुम पर फिदा हैं, सर को मेरे जेलर पिताजी से मिलवा दो, फिदा होने का अंजाम जान जाएंगे। गौतमी कहती, शर्मा तेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे नहीं लगता शादी के बाद तू अपने पति से इश्क करने का विचार कर पाएगी, वह भी तुझे अनैतिक लगेगा। धत, गौतमी के जेलर पिता कैदियों की ही तरह अपनी तीनों बेटियों को भी हड़का कर रखते थे। लड़कियों को उन्होंने एक माह में सिर्फ एक फिल्म देखने की छूट दे रखी थी, फिल्म भी वह जिसमें व्यस्क दृश्य ना हो। उन दिनों फिल्मों में दो फूलों के मिलन से सुहागवा संपन्न हो जाती थी, तब भी जेलर साहब डरे रहते थे। फिल्म में कुछ ऐसा वैसा देख लड़कियां बहक गईं तो उनकी अड़ियल छवि ध्वस्त हो जाएगी। पिता की कठोरता का फल यह कि गौतमी व उसकी बहनों को इश्क जैसा सुंदर शब्द गैर कानूनी लगने लगा और उनके जीवन में उस उम्र में भी बसंत न आया जब आम तौर पर आता है, पर लड़के तो लड़के होते हैं। गौतमी चूंकि क्लास की सबसे सुंदर छात्रा थी तो लड़के अपने बसंत भावना उस तक पहुंचाना ज़रूरी समझते थे। आशिक मिजाज लड़के साइकिल पर सवार हो गौतमी की साइकिल के पीछे लग जाते थे, किंतु जब गौतमी की साइकिल लेकर जिला आवास में दाखिल हो जाती तब लड़कों के हौसले मंद पड़ जाते। उस दौर में आजमाया फार्मूला यह था कि लड़की नखरे दिखाए तो किसी दिन कट मार कर उसे साइकिल से गिरा दो या दुपट्टा छीन लो, लड़की की बदनामी हो जाएगी और माँ बाप पढ़ाई छुड़ा कर उसे घर बैठा देंगे। पर गौतमी के केस में इस फार्मूले का परिणाम घातक हो सकता था क्योंकि वह खूंखार जेलर की कन्या थी। तो गौतमी पूरी सावधानी बरत रही थी कि इश्क जैसे तत्व को दिल में जगह ना दे और लड़के ऐसे खौफजदा कि छात्र संघ के चुनाव में सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव पद के लिए गौतमी के घर वोट मांगने आए पर परिसर में दाखिल होने का साहस न कर सके। लड़कों का एक सामूहिक स्वर सुन गौतमी के पड़ोस में रहने वाला चेतन अपने घर से बाहर आया और लड़कों को उपकृत करता हुआ बोला, वोट मांगने आए हो, लौट जाओ, जेलर अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं गौतमी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। लौटते हुए लड़कों ने चेतन को बहुत कोसा, गौतमी का पीए बनता है, क्या पता उससे इश्क करने का दावा भी करता हो। पड़ोसी जो ठहरा जेलर साहब की सनक यह कि वे लड़कियों को रेडियो पर फिल्मी गाने भी नहीं सुनने देते थे, बिना का गीत माला भी नहीं। उनकी मान्यता में शरीफ घरों की लड़कियां फिल्मी गाने नहीं सुनती, पर प्राकृतिक गुण कब छिपते हैं। गौतमी का स्वर मधु था और वह फिल्मी गाने बड़ी रुचि से गाती थी। वह बहुत अच्छा गाती है यह खबर तब प्रकाश में आई जब एक सहेली की बर्थडे पार्टी में मौसमी ने भेद खोल दिया, जबरदस्त दबाव बना, गौतमी हड़बड़ा गई और हड़बड़ी में गा दिया, बेचारा दिल क्या करे सावन जले भादो जले। लड़कियां आनंद रस में डूब गईं, शर्मा का बेचारा दिल तो क्या क्या करना चाहता है, पर जेलर साहब हुक्म नहीं देते। विडम्बना यह रही कि विवाह के बाद जब गौतमी पति के सुपुर्द हुई बसंत की संभावना तब भी न बनी। पिता जेलर थे तो पुस्तक विक्रेता पति निश्चल शर्मा दरोगा साबित हो रहे थे। आज के दौर में दुल्हा दुल्हन वाया डेटिंग चैटिंग मैसेजिंग एक दूसरे की पर्याप्त जानकारी पा लेते हैं, पर तब ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके माध्यम से गौतमी पति के स्वभाव का सूत्र प्राप्त कर पाती। होता भी तो जेलर पिता की कस्टडी में रह रही गौतमी को कोई लाभ न मिल पाता। कुल मिलाकर एक बात अच्छी हुई, इस शहर की एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था प्रतिवर्ष भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आयोजन करती है। अब यह आयोजन इतनी प्रतिष्ठा पा चुका है कि प्रतिष्ठित घरानों की स्त्रियां आयोजन में सहभागिता करने को उपलब्धि की तरह देखती हैं। गौतमी के लिए यह एक अच्छा अवसर था।
अपनी प्रतिभा को साबित करने का। निश्चल ने अनिच्छा से ही सही अनुमति दे दी और गौतमी ने शील्ड जीतकर खुद को साबित किया। आयोजन की तिथि निकट आते ही वह अपने घर के खाली पड़े ऊपरी हिस्से में चली जाती और एकांत में अभ्यास करती। अब ऊपरी हिस्से में इंजीनियरिंग के 3 लड़के किराए पर रहने लगे हैं, अतः वह वहाँ अभ्यास नहीं कर पाती है। पर विलक्षण बात यह हुई कि इन लड़कों के आगमन के साथ ही गौतमी के जीवन में बसंत का आगमन होता दिखाई दिया। जबकि यह उम्र जब उनकी बेटी गोपा इंटर कर रही है, बसंत के लिए कतई उपयुक्त न थी, किंतु सब विधि का विधान। 3 लड़कों में जो लंबा व सांवला था उसका नाम असीम चौहान था। उसे लड़के एसी कहते थे। जो लड़का औसत कद काठी पर सुंदर चेहरे वाला था का नाम दामोदर था। जो लड़का कुछ मोटा व चश्मा लगाता था का नाम महान था। एसी ने परिचय कराया था, यह महान है। गौतमी हंसी थी, किस कारण महान है? इसका नाम महान है। 3 लड़के चूंकि सीधे दिखते थे इसलिए गौतमी नहीं सोच पाई थी कि छिप कर उसका गायन सुनते हैं। वह कई चादरें व खोलियाँ धोकर लॉन की घास पर सुखा रही थी। तभी लड़के कॉलेज जाने के निकले। वे आपस में अपनी धुन में बोल रहे थे, किसी की इतनी मीठी आवाज़ हो सकती है, विश्वास नहीं होता। मैं तो किताब बंद कर सांस रोक कर सुनने लगता हूँ। प्यार किया तो डरना क्या, सिक्को जैसी खनकती आवाज़। और लड़कों की नज़र चादर सुखाती गौतमी पर जा पड़ी। वे झिझक गए। नमस्ते मैम, कॉलेज के शिक्षकों को सर व मैम कहने की लड़कों की आदत थी, अतः वे गौतमी को मैम व निश्चल को सर कहते थे। गौतमी का चेहरा सुनहरा हो गया। घर में मेरे इस गुण की कद्र न हुई, पर चलो लड़कों ने तो माना कि मुझे वही कमाल हासिल है जो लता मंगेशकर को है। जी चाहा निश्चल से कहे, तुम्हें मेरी प्रतिभा दिखाई नहीं देती। अब देखो मेरे 3 फैन ऊपर रहते हैं। सुनते ही बोफोर्स गोले बरस जाएंगे। फूली न समाओ, लड़के लगता है अप्रोच बनाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था लड़कों को न रखो, घर में एक जवान लड़की है। पर क्या गोपा से कहे? पर गोपा भी तो अपने नाना व बाप का स्वभाव पा गई है। तुरंत कहेगी, माँ सावधान, तुम्हारी गायकी के बहाने ये बदमाश लड़के मुफ्त में चाय नाश्ता हड़पने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी यह खराब आदत है, कोई तुम्हारे गाने की सराहना कर दे तो तुम उस पर उपकार करने पर उतारू हो जाती हो। तो यह ऐसा उत्सव था जिसे गौतमी को अकेले ही मनाना था। लड़कों की सराहना ने उसे उजस्वित कर दिया। उसने बड़ी तन्मयता से गाया, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। कल्पना करती रही कि लड़के दम साध कर गीत सुन रहे होंगे। थोड़ी देर बाद उसे बेसुर की तान सुनाई दी, ये जिंदगी उसी की है। जो लड़के सचमुच सुन रहे थे। 3 में से सबसे बड़ा प्रशंसक कौन है? क्या 3 हैं? फिर उसे जल्द ही संज्ञान मिल गया, मामला प्रशंसा का नहीं दिल का है। निश्चल बुक सेंटर चले गए थे, गोपा स्कूल। इसी बीच प्रवेश द्वार से पर्ची सरकाई गई। गौतमी की जब नज़र पड़ी तो डस्टबिन में डाल देने के लिए उसने पर्ची को उठा लिया। आपके गीतों ने नींद उड़ा दी है। गौतमी इस तरह सदमे में आ गई मानो पर्ची उठाते हुए सरेआम पकड़ी गई हो। क्या हो रहा है? लड़के क्या संदेश देना चाहते हैं? गायन की सराहना करना है तो पर्ची भेजकर क्यों? सामने आकर शुद्ध मन से कहो। लड़कों को समझाना होगा, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो और मुझे अपना काम करने दो। यदि लड़कों ने कह दिया, मैम हम पर शक करने से पहले अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, तब कितनी शर्म वाली बात होगी। आखिर पर्ची में कुछ आपत्तिजनक तो लिखा नहीं है, न जाने क्यों। पर गौतमी ने दिन भर लड़कों के लौटने की प्रतीक्षा की। वे लौटे तब वह खिड़की के पास खड़ी थी। लड़कों को ध्यान से देखने लगी कि उसे देखकर किसके चेहरे की चमक पड़ती है। कुछ अनुमान न हुआ। 3 ने सामूहिक स्वर में कहा, नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? फाइन, यह एसी ने कहा। और 3 तेज गति से आगे बढ़ गए। कमरे में पहुंचकर 3 ने दम साधा। महान बोला, मैं तो दिन भर डरा रहा स्लिप को लेकर कोर्ट मार्शल की तैयारी न हो, पर शांति है। तब तो उधर से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, गुरु आगे बढ़ो। दामोदर ने महान की पीठ ठोकी। एसी ने दिल पर हाथ रख कहा, मैंने ट्राई क्यों नहीं किया? पूरा परिवार ऐसा जालिम दिखाई देता है जिसे खुश रहना गुनाह है। बस मैं धोखा खा गया, वरना बाजी आज मेरे हाथ लगती। दामोदर ने आपत्ति की, एसी बाजी महान के हाथ लगी है, तुम अपनी नीयत खराब ना करो। महान, तू तो अब इस हर फिक्र को धुएं उड़ाता चल, मैं तेरे साथ हूँ। सुनकर महान के हौसले बुलंद हो गए, आखिर यह उसका पहला प्यार था। इधर आंगन में खड़े हुए गौतमी ने ऊपर की फिजा को महसूस करने की कोशिश की, पर कुछ स्पष्ट न हुआ।
तब वह रसोई में जाकर चाय बनाते हुए अपनी धुन में गाने लगी। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। उसकी इच्छा हुई लड़कों को चाय पीने के लिए बुला ले, अपने गायन पर चर्चा करें, पर अब तक कभी चाय के लिए नहीं कहा था तो उसे कुछ असंगत लगा। पर्ची फिर भेजी गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, अंदाजे बयां अच्छा है, उम्मीद है रिस्पॉन्स मिलेगा। पर्ची पढ़कर आज गौतमी सदमे में नहीं आई, बल्कि उसकी धड़कनें बढ़ गई। कौन है यह प्रशंसक आशिक जो संचार क्रांति के इस दौर में पर्ची भेजने जैसा पुराना फार्मूला आजमा रहा है? ऐसी पर्ची तो तब न नसीब हुई जब पर्ची भेजने का बड़ा चलन था। पर्ची मिलने और जैसी घटना उसकी ज़िंदगी में पहली बार घट रही थी। उसके दिल में खलबली मच गई। न जाने कितनी सोच साधे थीं, अरमान थे, भाव अनुभव थे, महाबली पिता के चलते जिन्हें कभी अभिव्यक्ति न मिली थी। विवाह के बाद भी कुछ भाव प्रतीति न बनी। विवाह किया है तो निभाना पड़ेगा कि तर्ज पर निश्चल खाना पूर्ति किए जा रहे थे। अब ये पर्ची बोझ करा रही थी कि कुछ रेशमी और गुनगुना भीतर कहीं अब भी बचा रह गया है। बसंत दस्तक दे रहा है। खुद को नए सिरे से डिफाइन करने के लिए गौतमी आईने के सामने जा खड़ी हुई। आज भी मेरा चेहरा नूरानी और रंग सुनहरा है, मुझे बहुत कुछ है, जबकि खुद को कितना कम समझा मैंने। उसे लगा उसके जीवन का स्वर्णकाल अब शुरू हुआ है। यह उसकी ज़िंदगी का जबरदस्त बदलाव था। निश्चल की जड़ता उदास न करती, गोपा का किताबों में डूबे रहना त्रस्त न करता। घर में उसकी गायन को मान्यता प्रशंसा स्वीकृति नहीं मिली, पर कोई है जो उसकी आवाज़ पर निछावर हो रहा है। गौतमी ने चौकसी बढ़ा दी, लड़कों की गतिविधियों पर नज़र रखने लगी। कभी आते जाते हाल समाचार पूछ लेती, मुंगौड़ी बनाई तो उन्हें देने गई, लो गर्मा गर्म मुंगौड़ियाँ खाओ। मैम आपने तकलीफ महान की बात उसने काट दी, तकलीफ होती तो ना देती। मुंगौड़ी ने लड़कों को उत्प्रेरणा दी। अगले सप्ताह फ़ोन पर हड़बड़ाई हुई आवाज़ सुनाई दी, कल शाम आप खूब जच रही थी, बात करना चाहता हूँ, कुछ जतन कीजिए ना। गौतमी हेलो हेलो करती रही पर लाइन कट गई। गौतमी दीवान पर ढह गई। मैं कल शाम को कब जच रही थी? अच्छा, गोपा के साथ बाज़ार से वापस आ रही थी, तब इन लोगों ने देखा होगा। तो अब ये लोग गायन से खूबसूरती पर आ गए? लड़के चाहते क्या हैं? किसी को पता चले तो क्या होगा? मीडिया इतना सक्रिय हो गया है कि कोई अपुष्ट सूत्र भी मिल जाए तो कहानी बना दी जाती है। तो किसी दिन स्थानीय अखबार के बॉक्स कॉलम पढ़ने को मिले, इंजीनियरिंग के छात्र को युवा बेटी की माँ से हुआ इश्क इश्क इश्क, पता नहीं क्या हुआ। गौतमी उस पर खुलकर हंसी, ऐसी हंसी बरसों बाद उसकी भीतर से उपजी थी। वस्तुतः वह एक सकारात्मक भावबोध था जो उसे उजस्वित किए था। उसे लड़कों की उपस्थिति भली लग रही थी। तभी भूले विश्व गीत कार्यक्रम की तिथि घोषित हो गई। गौतमी ने बड़ी रुचि से गीत तैयार किया। गोपा से बोली, ये 3 फ्री पास हैं, लड़कों को दे आओ। गोपा ने मुंह बनाया, माँ लड़के हंसने लगेंगे कि ये भूले विश्व गीत क्या बला है, पास क्यों बर्बाद करती हो, दे आओ, ना आएंगे ना सही। ये माँ ने भेजे हैं, शाम को टाउन हॉल में भूले विश्व गीत कार्यक्रम है, लड़के जब तक अपनी धजा सुदुरुस्त करते, कुछ जानकारी लेते, तब तक गोपा सर पर सीढ़ियाँ उतर कर चली गई। लड़के उत्साह में आ गए। महान बोला, सुनो तुम दोनों, हम अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे, वंश मोह का नारा लगाएंगे, व्यक्तिगत रूप से मिलकर बधाई देंगे। गुरु अब इंतज़ार नहीं होता, ऐसा ना हो मैं पढ़ाई पूरी कर चला जाऊँ और तमन्ना दिल में रह जाए। एसी ने ठहाका लगाया, और फिर अपने घर की छत पर आकाश की ओर मुख करके गाते पाए जाओ, एक हसीना थी एक दीवाना था। लड़कों ने समय से पहले पहुंचकर सबसे आगे जगह पा ली, और जिसके लिए इतना सज-धज कर आए थे उसने 5वें नंबर पर प्रस्तुति दी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें, रंग सुनहरा। गौतमी ने मुस्तैदी से बैठे अनुरागी लड़कों को देख लिया। तन्मयता प्रदर्शित करते प्रेरणा स्रोत बने 3 लड़के। गौतमी ने मानो आत्मविस्मृत में पूरा गीत गाया। मुद्रा कैसी रखना चाहती थी, कैसी हो रही थी, कुछ मालूम न था। उधर लड़कों की दशा चिंतनीय थी। इतनी मधुर और कोमल आवाज़ गोपा जैसी नवयुवती की नहीं, गौतमी जैसी व्यस्क महिला की होगी। ऐसी हिंसक कल्पना लड़कों ने नहीं की थी। अनुमान ही न था कि इस उम्र में कोई स्त्री फिल्मी गानों में इतनी रुचि रखती होगी। एसी ने महान को दया भाव से देखा, यही है तेरी मुमताज़ महल। कार्यक्रम छोड़कर बैठे हुए दिल लिए लड़के घर पहुँचे। महान पीड़िता
हुआ जाता था। यह आवाज़ गोपा की नहीं थी, अविश्वसनीय है। दामोदर बोला, महान तो सत्यम शिवम सुंदरम का शशि कपूर बनना चाहता था ना, ना शक्ल देखी ना उम्र, आवाज़ पर लट्टू हो गया। महान ने खंडन किया, शक्ल और उम्र ही देखी थी, सोचा था आवाज़ के सहारे उसके दिल में उतर जाऊँगा, पर आवाज़ ही फर्जी निकली, सब गोबर हो गया। एसी की चिंता भिन्न थी, मेरे तो सोचकर प्राण सूख रहे हैं कि पर्चियाँ मैम ने उठाई होंगी, फ़ोन भी उन्होंने ही रिसीव किया था। महान तुम समझ गए थे, वे हेलो हेलो करती रहीं और तुमने घबराहट में सेल फोन ऑफ कर दिया था। महान की निराशा बढ़ गई, फ़ोन का तो ठीक है पर पर्चियाँ मैम ने उठाई, एसी तुम कैसे कह सकते हो। तभी न पर्ची मिलने का खुशी से गा रही थी, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, और महान तुम्हारी बेवकूफ़ी यह है कि इस गाने को तुमने अगली पर्ची में कोट भी कर दिया। एसी को आनंद मिल रहा था, महान को सहानुभूति की ज़रूरत थी जो दामोदर ने दी। क्या पता मैम ने संयोग से यह गीत गाया हो, पर्ची मैम के हाथ लगती तो वे आ धमकती, तुम लोग पढ़ने आए हो या इश्क करने। एसी शांत नहीं हुआ, पर्ची जिसके भी हाथ लगी हो, पर महान मैंने तेरे जैसे इश्कबाज नहीं देखे, मुझे डर है मैम या सर को कुछ भेद मिल जाए और वे कुछ वारदात करें तो तेरे साथ हम दोनों भी पिटेंगे, जबकि हमारी तो कोई खता ही नहीं है, हमें यहाँ से शिफ्ट करना होगा। महान का चेहरा सूख गया, यहीं रहो ना, गोपा को देखता रहूँगा। महान तुझे जोर समझ में आए कर, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा, एसी ने फैसला सुना दिया। उधर गौतमी के लिए वह मधुर रात थी, शील्ड मिलने का रोमांच, जबरदस्त प्रस्तुति के लिए मिली तालियाँ, मोदमग लड़कों की उपस्थिति, उसे रात भर नींद नहीं आई। कल लड़कों से पूछे कि मेरा गाना कैसा रहा, जो सबसे अधिक जोश और उत्साह से प्रतिक्रिया देगा वही होगा पर्ची लिखने वाला। पर बहुत भिन्न थी वह सुबह, गौतमी किचन में काम कर रही थी, निश्चल ने आकर सूचना दी, गौतमी लड़के घर छोड़कर जा रहे हैं, अभी मुझसे कहकर गए हैं। क्यों कैसे, गौतमी हड़बड़ा गई, उन्हें छात्रावास में जगह मिल गई है। गौतमी ने घर न छोड़ने के लिए लड़कों पर दबाव डाला, पर वे नहीं रुके, उन्होंने गौतमी की ओर दृष्टि तक न उठाई, साहस न हुआ। उसके चेहरे को देखते तो पाते वहाँ किसी उम्मीद के टूटने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।